नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में लास्ट वीक की हम लोग क्लिप्स देखने वाले हैं। तो ये मैंने बस कुछ पत्ता गोभी छोड़ के अपने 6x3 के ग्रो बैग जो हैं वो खाली कर दिए थे, और इनमें मैं गर्मियों का कुछ सीड्स डाली हुई हूँ। थोड़ा सा ही डाला है मैंने, क्योंकि इन दोनों ग्रो बैग्स में ही मेरे को है ना उगाने का इस बार गर्मियों में मेरा प्रोग्राम है। तो पुराने ही जो सीड्स पड़े हुए थे मैंने वही निकाले हैं। कुछ लौकी है गोल वाली लंबी, कुछ भिंडी है रेड और है ना ग्रीन, और ज़्यादा कुछ नहीं, करेले भी हैं और ककड़ी भी है। बस ये दो चार चीज़ें ही डालने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उगाने से ज़्यादा इस बार मैं कुछ चीज़ें जो पूरा टाइम काम आती रहे ऐसी बस उगाऊंगी सब्जियों में। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये साफ़ तो मैंने करवा दी थी, और तैयार मैंने ये क्यारियाँ नहीं की हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बरसातों में ही मैंने इनमें बहुत ढेर सारे है ना, आपको अगर याद हो तो, अपने ही पौधों के है ना पत्ते और टहनियाँ वगैरह मिलवाई थी नीचे, और ऊपर मैंने पूरी एक कट्टा 30 किलो वर्मी कंपोस्ट खुलवाई थी। तो और कुछ मैं इसमें सूखा नहीं मिला रही हूँ, थोड़ा सा मैंने बायो इंजाइम का बस छिड़काव करके और बीज डाल दिए हैं, और डायरेक्ट सोइंग कर दिए इस बार। जहाँ लगाऊँगी वहीं लगे रहेंगे, अगर ज़्यादा निकले तो थोड़ी सी थिनिंग करेंगे या कहीं और लगाने की सोचेंगे। तो निकल आए हैं इनमें से काफ़ी सारे, तो अगले वीडियो में मैं उनका भी अपडेट दूंगी, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब। और पिछले दिनों अपने फ्रूट प्लांट्स की केयर में मैं काफ़ी लगी रही, क्योंकि फरवरी वो मंथ होता है जब है ना फ्लावरिंग की शुरुआत होती है फ्रूट प्लांट्स में, और पूरे साल का फल आपको है ना मिलने के लिए तैयार होता है प्लांट, जो भी गर्मी के सीज़न के आने वाले होते हैं वो। तो उनकी केयर करती रही हूँ मैं काफ़ी, फंजीसाइड का छिड़काव किया, पेस्टिंग भी की, कुछ खाद पानी डाला उनमें, कटिंग वगैरह करके बिल्कुल बढ़िया से तैयार किया, और लगभग सभी जो गर्मियों में आने वाले हैं फल उनके प्लांट्स पे फूल आने लगे हैं। आड़ू के पे भी, आलू बुखारे के भी, ये भी बढ़ने लगे, अंगूर के भी बेल, उसके अलावा जामुन पे जामुन पे भी है ना फूल आने लगे हैं, और अमरूद में, सेब के पौधों में, नींबू में, माल्टा में, मतलब जो भी ज़्यादातर फलों के पेड़ हैं जो गर्मियों में फल देते हैं सब तैयार हो रहे हैं। तो अगर बंदरों ने छोड़ दिया तो अच्छे फल खाने को मिलेंगे होपफुली, क्योंकि पिछले हफ्ते ही बंदरों का 3 बार हमारे यहाँ पे है ना फेरा रहा, और बहुत सारे टमाटर 5-7 किलो मेरे ख्याल से ख़राब किए उन्होंने। पर टमाटर भी इतना ज़्यादा है मेरी छत पे कि लगातार फिर भी मिल रहा है, दिखाऊंगी उसकी हार्वेस्टिंग भी। तो सीड सोने का, अगर डायरेक्ट आप सो रहे हो तो बो रहे हो उनको, तो सीधा सा तरीका है, मिट्टी में 1/2 इंच या 1/4 इंच दबा दें उनको, और हल्का सा पानी का छिड़काव कर दें। तो इसी तरह से मैंने ये लगाए हैं, क्योंकि कुछ सब्जी के बिना तो छत अधूरी लगती है, तो थोड़ी सब्जी भी उगानी ज़रूरी है। और फलों का तो ऐसा है कि अगर बंदरों का उस टाइम पे आना लगा तो एक सारी मेहनत साल भर की एक बार में ही ख़राब कर जाते हैं, जैसे कि एप्पल बेर के मेरे प्लांट पे की उन्होंने। टमाटर देखो किस कदर टूट रहे हैं, और 1.5-1.5 किलो 2-2 किलो एक दिन में टूट रहे हैं, इतना ज़्यादा टमाटर टूट रहा है देखो आप। और 2-3 बार पिछले हफ्ते बंदर आए, ये तो उन्होंने ख़राब किए। तो ऐसे उगाने में मज़ा आता है, भले ही से मेरे पास 2 महीने के करीब टमाटर रहेंगे, पर दबा के खा रहे हैं घर के ऑर्गेनिक टमाटर, सूप पी रहे हैं ढेर सारा, तो मज़ा आ रहा है। हालाँकि पहले ऐसा होता था कि मैं 6-8 महीने के लिए रखती थी अपनी छत पर टमाटर पूरा टाइम, पर अब यह है कि मैं इनसे लेके और फिर हटा दूंगी इनको।
सब्जी उगाने की बहुत सारी ज़रूरतें अब पूरी हो चुकी हैं, अब ऐसे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। 20 एक पेड़ है ये मेरे पास जिनमें से टमाटर उगते हैं और कई वैरायटीज़ के हैं और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला। और एक बार ये सारे उतर आएंगे तो देखती हूँ फिर, हालांकि गर्मियों में बहुत प्लांट्स नहीं चलते, पर थिनिंग इनको भी है ना प्रूनिंग करके और रख दूँगी अगर आएँ तो। तो ये देखो एक एक दिन में आप लगभग 2 किलो टमाटर पूरा ऐसे उतर रहे हैं। मैंने कहा आज मैं एक बार नाप के देखती हूँ फिर मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टमाटर उतार रही हूँ मैं। ये आज उतार के लेके आई हूँ मैं और कल वाला भी इस पर करती हूँ मेजर, और इसमें से तो निकल भी चुका है तो कुछ, तो ये भी लगभग 1 किलो के करीब है। तो एक एक 2-2 किलो टमाटर रोज़ उतार रही हूँ देखो आप में। और मैं कुछ हल्के हरे भी उतार लेती हूँ, मतलब हल्के लाल होने जो शुरू होते हैं, रखे हुए हो जाते हैं वो, और ऊपर तो तय बात है एक आध दिन छूट गए थे तो वो सारे फिर बंदरों ने, देखो आपको दिखाती हूँ ये क्लिप, कितना नुकसान करके गए हैं बंदर मेरा, सब फ्लावर्स वगैरह जुकिनी, जब जुकिनी उतारने के लिए होती हैं तभी आ जाते हैं वो बंदर और तोड़ के ले जाते हैं। पिछले कई बार से नहीं खा पाए हम लोग जुकनी, काफ़ी नुकसान कर जाते हैं। पक्षी क्या है, पकता है फल तो उसमें चोंच मारता है और खाता है, पर बंदर क्या है बिना पके हुए फल को भी तोड़ के, देखो कैप्सिकम फिर से तोड़ गए हैं, नुकसान कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। देखो जुकिनी तो मिल ही नहीं पा रही, अब प्लांट्स तोड़ गए हैं इधर, और टमाटर जो ज़्यादा लाल होते हैं वो तो पूरा खा लेते हैं वो, बाकी सब देखो ऐसे गिरा के और बेकार करके पटक जाते हैं। और हमेशा इतने 20 सालों से मैं कर रही हूँ छत पे गार्डनिंग, कभी भी नहीं आते बंदर, कभी साल दो साल में एक आध भूला भटका आ जाता था क्योंकि मेन रोड पे रहते हैं हम लोग, पर अब लॉकडाउन के बाद से काफ़ी बंदर हो गए हैं। देखो आप कितने टमाटर है ना तोड़ के पटक गए हैं, खा गए हैं लाल, तो वो तो अलग है। और ये तो मैं एक ही शाम की क्लिप दिखा रही हूँ आपको, 2-3 बार एक ही हफ्ते में फेरा लग गया उनका। और ये मेरा प्लम का खूबसूरत प्लांट, दूसरा वाला जो उस साइड लगा हुआ है टंकी के पास, उसकी तो टहनियाँ भी तोड़ जाते हैं वो प्लम की भी। ये देखो आप पूरी टहनी तोड़ के गए हैं इसकी, फ्लावर से बंधी हुई, तो मैंने इधर की साइड लाके इसको टहनी को थोड़ा थोड़ा पॉलिनेशन करने की कोशिश की, हैंड पॉलिनेशन, और फिर टहनी भी नीचे ऊपर रख दी और बचाओ कुछ तो वो भी फैन पॉलिनेशन हो जाए। अब तोड़ गए हैं तो कुछ काम तो आए, टमाटर रेगुलर टूटते हुए। और पहले तो मैं ब्रेक भी दे देती थी कि बहुत सारा पढ़ाई चलो छोड़ो, पर अब मैं डेली जो भी हल्का लाल होता है वो ले जाती हूँ उतार के, बिगड़ने से तो बेटर है कि तोड़ लिया जाए। तो यही सब काम चल रहे हैं मेरे छत पे, स्पेशली फ्रूट प्लांट्स का बहुत काम कर रही हूँ मैं, और ये दूसरी बार फिर से है ना ख़राब करके गए वो। और डोलियों पे बैठते हैं तो दूसरे पड़ोसियों की छत पे भी काफ़ी टमाटर पैक जाते हैं, देखो आप। अब मेरे आड़ू में और अगर प्लम में फ्रूट्स बनते हैं, अमरूद में, सेब में, तो मुझे ये डर लगा रहेगा हमेशा कि बंदर किसी भी दिन इनको पूरा ख़राब कर जाएंगे। एप्पल बेर को जैसे काफ़ी ख़राब किया था सर्दियों में, जामुन इतना अच्छा बनता है, पिछली बार तो नया पेड़ था फर्स्ट टाइम बना था, इस बार तो बहुत जामुन की है ना बड्स बन रही हैं उसमें। और एक और हार्वेस्टिंग, शानदार हार्वेस्टिंग मिल रही है इस वक्त टमाटर की, और सूप का बहुत आनंद ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बीट रूट डाल के, गाजर डाल के, बहुत अच्छा सा है ना सूप बन रहा है डेली घर में, तो पूरा स्वास्थ्य लाभ भी ले रहे हैं।
शहतूत में भी मेरे इतने अच्छे शहतूत आए हुए हैं, उसको भी कच्चे थे बिल्कुल, फिर भी काफ़ी तोड़ के गए उस दिन, पर चलो ये तो लगा ही रहेगा। टमाटरों के मज़े ले लिए जाएं अभी तो। प्रूनिंग मैंने पेड़ों की अच्छे से कर दी है, अमरूद के प्लांट जिसके पास भी लगे हों और गर्मी के अमरूद लेने की इच्छा हो वो प्रूनिंग करे अभी। पत्ता गोभी कुछ बचा के रखी थी मैंने, जो थोड़ी बहुत हैं वो ले जाती हूँ। अब मैं ज़्यादा बड़े होने के भी वो उम्मीद नहीं करती, क्योंकि जल्दी खाली करने हैं। अब जो बची हुई हैं वो मैं कम साइज़ की भी ले जाती हूँ। पूरे गिर गए हैं टमाटर तो इधर से उधर, और मैंने इनको खड़े करने की कोशिश भी नहीं की, और इसी यही रीज़न है कि एक साथ बहुत सारे लगे हैं इसमें। अपने हिसाब से बढ़ने दिया है इनको बिल्कुल। नए फ्रूट प्लांट जो मैंने लगाए थे, कीवी के और प्लम के, एक पियर का भी लगाया था, नाशपाती का, सब लग गए हैं, अच्छे लग गए हैं इस बार। शिफ्टिंग थोड़े दिन बाद करेंगे उनके, अच्छे से बढ़ जाने दो 9 इंच के गमलों में। और अभी तो कुछ सब्जियां मैंने वो दी हैं, अगली बार मैं दिखाऊंगी आपको। आलू मेरा तैयार हो गया है, ऐसे ही मैंने डाल दिया था दिसंबर में, काफ़ी सारी आईज निकल आई थी 1 किलो आलू में, तो मैं जगह जगह लगा गई थी उसको। हल्दी मैंने अभी तक भी नहीं निकाली अपने उस ग्रो बैग से, अब मुझे लग रहा है जो भी मैं निकालूंगी वो सुखा लूंगी उसको। अचार मैंने काफ़ी डाल लिया है, और अब मैं इसलिए नहीं निकाल पा रही कि आलू बढ़ गया है उसमें तो फिर ख़राब होगा, वो अभी छोटा है। तो दोनों एक साथ तैयार हो जाएंगे मार्च एंड तक, तो मैं ना खाली करूँगी उनको। अवोकाडो में भी मेरे मैना फ्लावर्स आ गए हैं, अब पता नहीं फ्रूट्स तो बनेंगे कि नहीं, पर फ्लावर्स आ गए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। पूरा टूर देती हूँ आपको अगली बार मैं अपने फ्रूट प्लांट्स का दोबारा, फ्लावर्स के क्या हाल हैं। एक दो है ना दिखे मुझे आज कि प्लम में भी फ्लावर्स फ्रूट में जैसे कन्वर्ट हो सकते हैं वो, अगर नहीं झड़े तो दिल खुश हो गया। देखो कीवी के मेरे प्लांट्स इधर जो मैंने लगाए थे सब लगे हुए हैं। टमाटर इतना इधर उधर घुस गई हैं टहनियाँ कि अब मुझे ढूंढने भी पड़ते हैं, बंदरों की नज़र से भी चूक जाते हैं, कई बार बिल्कुल लाल टमाटर निकलते हैं पीछे से। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन देने का भी टाइम है आपकी मिट्टी में, अगर प्लांट ना भी लगे हों तो भी मिट्टी को भी रिच बनाओ इस टाइम पे, थोड़ा सा गोबर की या वर्मी कंपोस्ट दो, खाद दो, कुछ रॉक फास्फेट वगैरह मिलाओ उसमें जड़ें, जिससे अच्छी हो आपके प्लांट्स की, नीम की खली वगैरह कुछ मिलाओ।